हेलो दोस्तों, मैं हूँ रीना और स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वुलन कपड़ों को आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। मैंने जिस तरह से अपने वुलन कपड़ों को स्टोर किया है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। आई होप आपको भी ये तरीके पसंद आएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, कुछ दिन पहले ही अपने सारे वुलन कपड़ों को वॉश कर लिया है। मैंने अपने सारे कपड़ों को एक ही दिन में वॉश नहीं किया है, थोड़े थोड़े करके मैंने उसे वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने अच्छे से उसको धूप में भी रखा जिससे उसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे। अब मैंने अपने सारे वुलन कपड़ों को इकट्ठा कर लिया है और उसे फोल्ड भी कर लिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने कपड़ों को आप डिवाइड कर सकते हैं दो तरीकों से। एक तो आप अपने हस्बैंड के, बच्चों के, अपने, इस तरह से सभी के कपड़ों को अलग अलग कर लीजिए। या तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि अपने सॉक्स को अलग कर लीजिए, स्कार्फ को अलग कीजिए, स्वेटर्स को अलग कीजिए। इस तरह से सभी कपड़ों को डिवाइड कर सकते हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से। उसके बाद जिस तरह से मैंने स्टोर किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड करके इस तरह से अलग डिवाइड कर लिया है। अब मैं इन कपड़ों को स्टोर करने के लिए यूज करने वाली हूँ इस ट्रॉली बैग का। इसका मटेरियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल उन्हीं कपड़ों को स्टोर करने के लिए ही करती हूँ। तो आप, अगर आपके पास इस तरह से पड़ी हुई कोई वेस्ट बैग है, अनक्वालिटी या फिर पुरानी है या फिर थोड़ी सी डैमेज है, तो उसका यूज कर सकते हैं। या तो फिर आप आपके पास पड़े हुए कोई ट्रैवलिंग बैग, जैसे कि कपड़े का या फिर रैगजीन का जो बैग होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। या तो फिर आप कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजर है आपके पास, क्लॉथ ऑर्गेनाइजर, तो उसमें भी अपने उन्हीं कपड़ों को स्टोर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर कोई और बेडशीट जैसा कोई प्लेन क्लॉथ बिछा सकते हैं, या तो फिर मैं तो डायरेक्टली ही इसके अंदर स्टोर करती हूँ। ये पूरा कपड़े का ही होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सारे कपड़े को हम अच्छे से इसके अंदर एडजस्ट करके रख लेंगे। ये हमने सारे कपड़ों को इसमें रख लिया है। और एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कपड़े आपको नेक्स्ट ईयर्स के लिए नहीं चाहिए उसे आप अभी से निकाल दीजिए। आप जिसे भी देना चाहते हैं, किसी ज़रूरतमंद को देना चाहते हैं, तो उसे अभी ही डोनेट कर दीजिए। अभी से हम पैक कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके बैग की जिप अगर टूट गई है, यहाँ पर उसका जो रनर होता है वो अगर निकल गया है, तो आप इस तरह से सेफ्टी पिन को लगाकर इसे इजीली यूज कर सकते हैं। अब मैंने इस बैग को अपने बेड के अंदर रख लिया है। मैं अपने ऊनी कपड़ों को इसी तरह से पैक कर बेड के अंदर ही स्टोर करती हूँ। और मेरा जो रूम है वो छोटा है, तो हमारा बेड कॉर्नर में है, तो हमें ये कपड़ों की ज़रूरत पूरे 8 मंथ तक नहीं पड़ने वाली है। तो मैं इसे कॉर्नर में ही रखती हूँ जिससे हमें बाकी चीज़ें निकालने में आसानी रहे। तो इस तरह से आप भी अपने कॉर्नर की साइड में ही इसे स्टोर करें। और साइड में एक और बैग है जिसके अंदर मैंने ब्लैंकेट को स्टोर किया है। ब्लैंकेट को स्टोर करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से अपने उन्हीं कपड़ों को स्टोर करती हूँ वो मैंने आपसे शेयर किया। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। हम फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह के एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।